देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अगले 2-3 दिनों में अपना चौथा बड़ा वादा पूरा करने जा रही है। किसानों का बिजली बिल हाफ की घोषणा 2-3 दिनों में हो जाएगी। कैबिनेट की अगली बैठक में ये बड़ा फैसला होगा, इस बात की घोषणा चरणदास महंत ने की। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 11 जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत भारतीय पुलिस सेवा के 16 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राज्य शासन ने 11 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का तबादला कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 6 कलेक्टरों समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 42 अधिकारियों का तबादला कर दिया था। 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर रायपुर आए परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया ने किसानों के कर्ज माफी और समर्थन मूल्य 2500 रुपए दिए जाने पर प्रदेश सरकार को बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार माल्या और नीरव मोदी जैसे उद्योगपतियों की है, मुठ्ठी भर उद्योगपतियों के बीजेपी अब गुलाम बनकर रह गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने नक्सलियों के प्लांट किए 4 किलो की आईडी बरामद की है। दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र के अटामीपारा में जवानों ने आईडी बरामद की है। सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। सीआरपीएफ 221 बटालियन ने आईडी को रिकवर कर डिफ्यूज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में हाथियों के दल के हमले में एक युवक घायल हो गया। शहर में जंगली हाथी घुसने के बाद कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू की गई है। कोरबा जिले के अधिकारियों ने बताया कि 4 हाथियों का दल कोरबा शहर में स्थित हेलीपैड के करीब नर्सरी में मौजूद है। हाथियों के दल ने राताखार निवासी दिलीप विश्वकर्मा को घायल कर दिया था। हाथियों के उत्पात को देखते हुए शहर के हेलीपैड और आसपास के क्षेत्र में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश हाथियों के वापस चले जाने तक प्रभावी रहेगा। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आज की तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।